नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका बहुत स्वागत है। एक बहुत ही खुशी की खबर है मेरे पास। हमारे बच्चों ने जितना सफर किया है कोरोना पीरियड को, उतना किसी ने नहीं किया है। बच्चे घरों में कैद हो गए थे और घर में माता-पिता की डांट, प्रेशर, क्लासेस का प्रेशर, सब ओर से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था ताकि वो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अब उनके लिए एक खुशी की खबर है। वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक और बायोटेक एसई ने हाल ही में एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे पे ट्रायल शुरू किया और कंपनी ने दावा किया है कि 12 से साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 100% असरदार है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। कंपनियों को उम्मीद है कि 2022 तक टीकाकरण की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा और भारत में फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र के फ्रंटलाइनर वॉरियर्स को टीके दिए जा रहे हैं। बच्चों को अभी टीके नहीं दिए जा रहे हैं। मॉडर्ना इंक ने भी पिछले हफ्ते एक ऐसी ट्रायल लॉन्च की थी। 6 महीने तक के बच्चे को भी टीका दिया गया था और वर्तमान में केवल फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 और 17 साल के बच्चों के लिए किया जा रहा है। मॉडर्ना का शॉट 18 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा रहा है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ही फिलहाल आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। यहाँ बड़े पैमाने पे टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कल यानी कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाने की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अपना हर अपडेट आपसे शेयर करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।